पकड़ करके जब प्रार्थना करने लगी तो भगवान ने उसको अब ग्रहण तो कैसे करते, जो तो तुलसी दल छोड़ के पिताजी ऐसे भोग लगाते वो भी लगाती। लेकिन कर्मा बाई ने जब पर्दा हटा के देखा तो खिचड़ी वैसी की वैसी रखी। कर्मा ने सोचा क्या कारण है, भगवान ने खिचड़ी क्यों नहीं पाई। तो भगवान से कहती है, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी बोजी मारा श्याम धड़ी, जी मावे छोरी जाट की, जी मावे छोरी जाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, हो थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मुझी मर श्याम धड़ी, जी मावे कर्म जाट की, जी मावे कर्म जाट की। मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे लो, पी के भरोसे सामरिया तो भूखो ही रह जावे लो, भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। कर्मा कहने लगी, जब पर्दा हटा के देखा ठाकुर जी ने जब प्रसाद ग्रहण नहीं किया, मन में विचार करने लगी, बोले बाबा के भरोसे बैठे हो क्योंकि तुमको तो आदत बाबा के हाथ से पाने की है ना रोज, लेकिन प्रभु बाबा तो यहाँ ही नहीं, बाबा तो किसी काम से परदेश गए, अब उनके आने का भी कोई ठिकाना नहीं, शाम तक लौट आए, शाम को नहीं आए, कल आए, कल शाम को आए, अब बाबा के इंतजार करते करते तो भूखे रह जाओगे, अब मैंने जैसी भी बनी आपके लिए प्रसाद तैयार किया, अब पाओ। तो कर्मा कहने लगे, बाबो मारो काम गयो है, ना जाने कद आवे लो, बिके भरोसे सामरिया तो भूखो ही रह जावे लो, ओ बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे लो, बिके भरोसे रहो तो भूखो ही रह जावे लो, आज जिमाओ तने खिचड़ो, आज जिमाओ तने खिचड़ो, काल राबड़ी घाट की, जी मुझी मर श्याम धड़ी, जी मावे कर्म जाट की, जी मावे कर्म जाट की। बार बार पट खोलती, कहिया कोई ना जीवे रे मोहन करनी करनी बोलती, हाँ कहिया कोनी जी मोरे मोहन करनी करनी बोलती, हे जीवो तो जद में जीव, ओ हे जीवो तो जद में जीव, ना मानू कोई लाट की, आओ जी मर श्याम धड़ी,
करवा जाट की मावे बेटी जाट की थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की जिम मारा श्याम बनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की अगर आपने खिचड़ी नहीं खाई और आपने इसको अगर प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी कि थे जी मुआ चद जीमूंगी जब तक आप नहीं पाओगे गोविंद तब तक मैं नहीं पाऊंगी मैं भी भूखी बैठी रहूंगी। इतना कहते कहते कर्मा को याद आया अरे राम हो सकता है बाबा रोज पर्दा लगा के इनको प्रसाद करवाते होंगे इनको सामने प्रसाद करने में शर्म लगती होगी तो मैंने प्रसाद के लिए पर्दा नहीं लगाया और चारों तरफ देखा तो पर्दा नहीं दिखा। अब महाराज आप ताजुब करोगे कर्मा ने पर्दा काय का किया जो बड़े बड़े लहंगे टाइप होते हैं फरे टाइप उसका पर्दा बना दिया और भगवान से कह दिया कि देख ले अगर नहीं जीमता है तो फिर तैयार है। अब भक्त अब तक तो प्रेम सिंह और अब भगवान से ऐंठ करके कह दिया कि या तो जीम तो आप महाराज देखते हैं कि उस कर्मा की भक्ति के उसके प्रेम के आगे झुक करके तुरंत भगवान ने वहां आकर के प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया। पर्दा लगाया हाथ जोड़ के विनती की पर्दों करनो भूल गई मैं पर्दों फेर लगायो जी एडो भूल गई मैं पर्दों फेर लगायो जी कर्मा सा भक्ता पर कब जी